मिली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल डेली रिव्यू. सो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक फेशियल किट की दोस्तों. येस, और वो फेशियल किट है VLCC का, ये पर्ल फेशियल किट गाइस. येस दोस्तों, और आप जो मेरे फेस पे ये ग्लो देख रहे हैं, मेरा फेस नो मेकअप है गाइस, ओनली एंड ओनली लिप बाम लगा के रखी है. और ये जो ग्लो आप देख रहे हैं, ये नेचुरल फेस का ग्लो है. और ये मैंने प्राप्त किया है इस फेशियल किट से, जो कि पर्ल फेशियल किट है गाइस. जस्ट नाउ मैंने वीडियो शूट कर ली है और रेडी हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए दोस्तों. तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले कुछ पॉइंट्स आपके आगे क्लियर करना चाहती हूं. सबसे पहले इसका रेट मैं आपको बता दूं कि ये आता है ₹250 का, 250 रुपये का ये आता है. और इसके अंदर अलग अलग सैशेज होते हैं, जो मैं आपको आगे के डेमो में एक एक सैशे आपसे रूबरू करूंगी गाइस. प्लस मैं आपको बता दूं कि इसे ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी स्किन ऑयली है तो कुछ मैंने इसके अंदर चेंजेस किए, कुछ टू चेंजेस मैंने इसके अंदर किए. तो जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं तो वो जैसे मैंने किया है वो भी उस तरीके से चेंज कर सकते हैं. बाकी ऑल स्किन टाइप कैन यूज इट. पर्ल फेशियल किट है, इसके अंदर प्रॉपर ऐसी तासीर है. अगर आपकी स्किन डल हो रखी है, जैसे अभी समर्स चल रहा है तो स्किन काफ़ी डल हो जाती है गाइस, सन टैन हमारे फेस पे आ जाता है, तो ये आपके सन टैन को भी हटाता है दोस्तों. येस गाइस, ये आपको ना एकदम जैसे बोलते हैं ना दूध मलाई जैसा ग्लो, जो कि आप मेरे फेस पे देख भी सकते हैं, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, वैसा एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे लेके आएगा. आपका नेचुरल जो रंग है उसे उभारेगा ये VLCC का जो पर्ल फेशियल किट है दोस्तों. प्लस इसे सारे ही यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मेन भी इसे यूज़ कर सकते हैं. आपको ये जो है ब्यूटी शॉप में बहुत इजीली अवेलेबल होगा. इन केस अगर आपको ये नहीं मिल पाता है तो नीचे आप बायर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं. 250 का हो सकता है, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा ये सस्ते रेट में मिल भी सकता है गाइज. सो इट्स वेरी सिंपल टू परचेज. मैं एक चीज़ और कहूँगी गाइज, ये एंटी एजिंग के तौर पे भी काम आता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक पॉइंट के साथ रूबरू होइएगा. चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप लोग एक्साइटेड होंगे इस ग्लो को देख के कि ये कैसे हुआ है. तो चलिए इसका कंप्लीट वीडियो शुरू करते हैं. जैसे ये पर्ल खिल रहा है ना यहाँ पे, जो चमक रहा है ना, वैसे ही मेरा फेस चमक रहा है. आप भी ऐसी चाहते हैं ना कि ऐसी शाइन आए फेस पे. चलिए चलते हैं वीडियो की ओर. चलिए गाइज, तो चलिए दोस्तों, ये है पहला स्टेप जो कि है कॉम्फ्रे, उसके ऊपर लिखा हुआ है. और सब में आपको कन्फ्यूजन की बिल्कुल भी वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पर सब में नंबर वाइज लिखा हुआ है. तो पहला है ये कॉम्फ्रे, जो कि इसके अंदर एलोवेरा की तासीर है, और ये क्लेंसर कम टोनर आपको फेस पे जो है काम आएगा. तो आपने क्या करना है, फेस पे थोड़े थोड़े पार्टीशंस में इसे जो है फैला देना है, और अच्छे से इससे मसाज करनी है आपने. एंड एलोवेरा जूस है जो आपकी स्किन को बहुत डीपली मैं कहूँगी क्लेंस करता है गाइस, और साथ में आपको एक ठंडक का एक फील देता है आपके स्किन पे, सूदिंग रहता है आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा. एंड टोनर है तो डेफिनेटली आपके जो ओपन पोर्स की शिकायत है उसे ये 100% जो है श्रिंक करेगा. और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि आप इसे अच्छे से मसाज कीजिए, सर्कुलर मोशन में कीजिए, 2 से 3 मिनट की आप मसाज कीजिए इससे अपने फेस पे. और मसाज करने के बाद आपने एक गीला कपड़ा अपने साथ ही रखना है, तो गीले कपड़े के साथ उसे जो है पोंछ लेना है आपने. एक डेफिनेटली एक आप इस तरीके से एक नैपकिन अपने पास ही रखिए, उसे हल्का सा गीला कर लीजिए, और फिर उससे आप जो है फेस को क्लीन कर लीजिए. ये पहला स्टेप हो गया आपका, समझ लीजिए क्लेंसिंग होगी, जो कि आप नॉर्मल फेशियल कराने भी पार्लर में जाते हैं तो ये आपकी जो पहले क्लेंसिंग से ही शुरू करते हैं गाइस. तो क्लेंसिंग होगी, और आप देख सकते हैं पहले क्लेंसिंग में ही आप मेरे फेस पे वो निखार देख सकते हैं. जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो आपने तभी मेरा फेस का देखा था दोस्तों टेक्स्चर, और अभी आप देख सकते हैं कितना क्लियर हो गया है. एंड सेकेंड स्टेप है ये, जैसे ये एक पाउडर है दोस्तों, जो कि आपको एक फेस पे से आपने दूध के साथ जो कहे मिक्स करना है, पर मैंने इसे दूध के साथ मिक्स नहीं किया है, मैंने इसे पानी के साथ मिक्स किया है. ये पाउडर बना है जिंक ऑक्साइड से, और साथ ही साथ इसमें जो बादाम रहते हैं, आलमंड का पाउडर है ये गाइस, दोनों का मिक्सचर है ये. एंड मैंने दूध इसलिए इसमें मिक्स नहीं किया क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे दूध जो है सूट नहीं होता स्किन पे गाइस, तो मैंने पानी से मिक्स किया. ये सेकेंड प्रोसेस थोड़ा सा मेसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है दोस्तों, बट बहुत इफ़ेक्टिव है ये. आपके ब्लैकहेड्स को डेफिनेटली दूर करेगा, जैसे आपके डार्क पैचेस हैं अगर फेस पे, जैसे किसी किसी के अनइवन स्किन टोन रहती है ना गाइस, आप नोटिस करते होंगे, तो उसे दूर करेगा, सन टैन को दूर करेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है. ये एक ऐसा एजेंट है जो हमारे फेस को काफ़ी मैं कहूँगी कि एक बेनिफिट रिजल्ट्स देता है गाइस. तो आप इसे अच्छे से अपने फेस पे इसे मसाज कीजिए, थोड़ी मैं कहूँगी इसकी ज़्यादा मसाज कीजिए, मतलब 3 से 4 मिनट्स तक इससे मसाज कीजिए आप, अच्छे से ऑल ओवर मसाज कीजिए फेस एंड नेक. और इसे भी आपने जो है गीले क्लॉथ से उसके बाद जो है पोंछ देना है.
अब आप देखेंगे ये भले ही आपको चूने के जैसे लगेगा बट ये वाकई में बहुत कमाल की चीज़ है। ये आप देख सकते हैं मेरे फेस पे वो एक ग्लो देख सकते हैं गाइस, जैसे ही मैं इसे वाइप कर रही हूँ आप देखते जाइए बस आगे आगे देखते जाइए इसका क्या कमाल के इफेक्ट्स है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे क्लियरली सी, ये बहुत बेनिफिशियल है जिनकी डल स्किन होती है ना, सांवली स्किन वालों के लिए तो ये फेशियल किट सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। एंड जैसे कि ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसे दूध में मिक्स करके इसको लगाना है, मसाज करनी है, तो मैं कहूँगी कि ये ड्राई स्किन वाले या जैसे एंटी एजिंग की जिनको चाहिए ना कि मतलब रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम जल्दी अर्ली एज में आ रही, तो उनके लिए ये फेशियल किट तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर हाईली एलोवेरा एंड लैक्टिक एसिड का यूज़ किया गया है, आलमंड पाउडर का यूज़ किया गया है जो कि मतलब फाइन लाइंस के लिए और सबके लिए बेस्ट है। एंड थर्ड स्टेप है दोस्तों ये एक मसाज क्रीम है दोस्तों, तो इसे आपने ऑल ओवर फेस जो है मसाज करनी है थर्ड स्टेप से। एक जेल टाइप है ये क्रीम और ये वापस है, ये पर्ल भस्म इसकी तासीर है, इसके अंदर पर्ल भस्म की तासीर है, एलोवेरा की तासीर अगेन है, तो ये आपके स्किन को एक बहुत मैं कहूँगी मतलब जैसे आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगा क्योंकि इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैक के पीछे कि आपको इसे आउटर स्ट्रोक्स देने हैं, मतलब बाहर की तरफ इसको खींचना है आपने, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जिस तरीके से इसे मसाज कर रही हूँ, आउटर स्ट्रोक्स देने हैं ताकि ये आपके फेस को अपलिफ्ट करेगा, जितनी भी आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो गायब होंगी इस क्रीम से मसाज करके। और इस जो पैक जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये फेशियल किट गाइज, ये आप मंथली बेसिस में से यूज़ कर सकते हैं एंड ये मतलब गर्ल्स बॉयज़ एवरीबडी कैन यूज़ इट। तो आप ये देख सकते हैं इसे आउटर स्ट्रोक पे ही आपने करना है, इस तरीके से आपने मसाज करनी है ताकि आपका फेस जो है अपलिफ्ट हो। आप लोग देख सकते हैं आईब्रोज़ के वहाँ पर, आईज़ के वहाँ पर इस तरीके से आपने जो है करते रहना है। तो आप खुद कर सकते हैं या तो आप किसी पार्लर में जाके वहाँ से करवा सकते हैं ये फेशियल किट लेकर जाके, तो कई तरीके हैं करने के, तो आप देख लीजिए आपको कैसे मतलब जमता है गाइस। तो इस स्टेप को आपने जो है वाइप नहीं करना है, ये क्रीम को आपने अपने स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करवानी है, इसने आपने वाइप नहीं करना है इस स्टेप को। तो अब चलते हैं चौथे स्टेप के ऊपर गाइस, ये सैंडलवुड की तासीर है ये चौथे स्टेप में एंड इस पर भी आपको जो है मसाज करनी है। ये भी क्रीम टाइप की ही है, ये आपके ब्लैकहेड्स को दूर करता है, अगर आपको ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स की शिकायत है तो ये उसे दूर करेगा। और साथ ही साथ जैसे किन किन लोगों को जैसे पिंपल मार्क्स रह जाते हैं ना, जैसे एक्ने स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उस चीज़ को ये दूर करेगा। एंड इसको आपने मतलब 5 से 6 मिनट की मसाज करनी है, ये फोर्थ स्टेप से गाइस। यस दोस्तों, अच्छे से आपने इसे मसाज करनी है एंड मैं कहूँगी कि इसके अंदर प्रॉपर पर्ल क्रीम है जो कि इसकी जो खुशबू भी है ना काफ़ी मतलब अजीब सी इसकी खुशबू है, मतलब इन अ गुड वे आई एम टेलिंग यू, इन अ गुड वे। तो आप ये देख सकते हैं और मैं ज़्यादा करके टारगेट अपने टी जोन में ही कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो है आके चिपकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है। आप ऑल ओवर फेस भी कर सकते हैं बट मैं अपने स्किन के हिसाब से कर रही हूँ गाइस। एंड इसके अंदर तासीर सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट की है, वीट जर्म ऑयल की तासीर है इसके अंदर गाइस, टर्मरिक की तासीर है एंड पर्ल ऑक्साइड है इसमें विच इज़ वेरी गुड, विटामिन ई है इसके अंदर विच इज़ रियली वेरी गुड। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं दोस्तों, एंटी एजिंग के हिसाब से, यूथफुल स्किन अगर आपको चाहिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए अगर आपको आपकी स्किन में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिनकी सांवली त्वचा है, जिनकी स्किन डल हो चुकी है, मुरझा चुकी है, जिन्हें चाहिए स्किन के अंदर जान आ जाए, तो डेफिनेटली सांवले स्किन टोन वाले अगर इसे मंथली बेसिस पे यूज़ करेंगे ना 3 से 4 महीने के अंदर देखेंगे उनका डेफिनेटली उनका रंग रूप जो है निखरेगा ही निखरेगा। जैसे कोई लड़की है जिनकी शादी होने वाली है तो वो मतलब मैं कहूँगी कि कंटिन्यूस पहले से ही 3 से 4 महीने पहले से ही आप इससे जो है अपना फेशियल करते रहिए गाइस। तो ये स्टेप ऐसा है कि आप इस पे जो स्टीम ले सकते हैं ये स्टेप के बाद, बट मेरे को स्टीम लेने की नौबत नहीं है इस वक्त तो मैं स्टीम नहीं ले रही हूँ। आप चाहे तो आप स्टीम ले सकते हैं इसके बाद, पर ये एक ऐसा फेशियल किट है जिसमें आपको स्टीम लेने की नौबत नहीं आएगी और आपकी जितनी भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है ना वो एज इट इज़ वैनिश हो जाएगी गाइस। यस दोस्तों, दिस फोर्थ स्टेप इज़ रियली वेरी गुड, आप मेरे फेस पे वो ग्लो देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप को आपने जो है वापस से अच्छे से मसाज करके फिर आपने इसे गीले कपड़े से वापस से पोंछ देना है। पानी और एक कपड़ा अपने साथ तो डेफिनेटली रखिएगा जब आप ये फेशियल करेंगे तो, क्योंकि आपको मल्टीपल बार ये चीज़ की यूज़ होगी। थर्ड स्टेप को ही आपने जो है क्लीन नहीं करना है गीले कपड़े से, बाकी सारे स्टेप्स ने आपने जो है गीले कपड़े से क्लीन करना है दोस्तों। तो आप मेरे फेस पे वो ग्लो देख सकते हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस, आई एम रियली वेरी हैप्पी बाय यूजिंग दिस गाइस, ये बहुत बहुत बेस्ट है। सुंदर निखरा हुआ चेहरा किसे नहीं पसंद है दोस्तों। अब चलते हैं पांचवें स्टेप के ऊपर गाइस, जो कि फिफ्थ स्टेप है।
जो कि एक फेस पैक है गाइस, जो कि इसका लास्ट स्टेप है। एंड ये फेस पैक भी बहुत कमाल का है दोस्तों, मैं तो अपने फेस को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इस VLCC के फेशियल किट से, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो ये फिफ्थ स्टेप है। मैं इससे पहले VLCC के पपाया फेशियल किट की रिव्यू कर चुकी हूँ विद डेमो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा गाइस। एंड मैंने जॉलेन फेशियल किट की भी की है, और आप कौन से फेशियल किट की देखना चाहते हैं डेमो आप वो भी बताइएगा मुझे डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स के एक्सट्रैक्ट है गाइस, एंड टर्मरिक इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि इसका कलर भी हल्का सा येलोइश है। सैंडलवुड का एक्सट्रैक्ट है, एंड पर्ल ऑक्साइड है, मतलब जिंक ऑक्साइड वापस से। सारे ही जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। एंड जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, एवरी स्किन टाइप कैन यूज इट, एवरी स्किन टाइप कैन यूज इट, एंड एवरी एज कैटेगरी कैन ऑल्सो यूज इट। बट जिनकी सांवली स्किन है वो तो डेफिनेटली इस फेस फेशियल किट को यूज़ करें मैं कहूँगी। तो ये मैंने फेस पैक लगा लिया है, इसे सूखने का वेट करूँगी, 10 से 15 मिनट में ये सूख जाता है। चलो ये तो सूख गया है, अभी ड्राई हो गया है, तो मैंने इसे सादे पानी से ही अपने फेस को क्लीन किया। ओनली सादे पानी से आपने फेस को क्लीन करना है, कोई फेस वॉश कोई सोप नहीं लगाना है दोस्तों। एंड ये रहा फाइनल रिजल्ट गाइस, आप लोग देख सकते हैं, यू गाइस कैन क्लियरली सी माई फेस, मतलब ये इतना सुंदर तरीके से मतलब निखर के आया ना मेरा चेहरा। वीडियो की शुरुआत देखिए और अब देखिए मेरे फेस पे कैसा ग्लो आया है। ये है लास्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जो कि VLCC प्रोवाइड करता है, बट इसे मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये ऑयल फ्री लिखा हुआ तो है, बट ये मुझे थोड़ा स्टिकीनेस देता है और गर्मियाँ चल रही तो ये मुझे सूट नहीं हो रहा होता है पहले, क्योंकि मैं पहले से एक वक्त यूज़ कर चुकी हूँ गाइस। तो मैं अपना स्किन टाइप के हिसाब से ये लगाऊंगी, जो कि मेरा लैक्टोकैलामाइन वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। इसकी अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइस, तो आप लोग इसकी रिव्यू चेकआउट कीजिएगा। आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ना भूलिएगा, ये स्टेप तो डेफिनेटली आपने करना है। ये मत सोचिए फेशियल कर लिया तो मॉइस्चराइज़ नहीं करना अपने स्किन को, नहीं, मॉइस्चराइज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्दी स्किन के लिए गाइस। तो अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लीजिए आप। अगर आपको भी ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जो VLCC ने प्रोवाइड किया ये सूट नहीं होता, तो आपके पास जो आपके स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक एंड माय टेक ऑन दिस VLCC पर्ल फेशियल किट इज़ फैंटास्टिक। आप डेफिनेटली इसे यूज़ कीजिए गाइस, और मेरे फेस पे आप वो ग्लो देख सकते हैं, प्रॉपर दूध मलाई जैसा एक ग्लो आया गाइस फेस पे। तो चलिए फिर। तो देखा आपने दोस्तों, कंप्लीट वीडियो आपने देख ली है, पूरा डेमो आपने देख लिया है, और ये मैं आपके सामने हूँ विद दिस ब्यूटीफुल ग्लो। एंड ये मैं पहले भी ये फेशियल कर चुकी हूँ गाइस, तो ये आपके फेस पे 10 to 15 days तक ये आपके फेस पे प्रॉपर ग्लो देता ही है। आप इसे मंथली बेसिस पे जो है यूज़ कर सकते हैं, एवरी मंथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और नहीं खुद कर सकते तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते तो आप पार्लर में जाके ये फेशियल किट पार्लर में लेके जा सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि वो इस फेशियल किट से आपकी जो है फेशियल करे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये VLCC फेशियल किट की रिव्यू विद डेमो आप लोगों को पसंद आया, और आप से काफ़ी लोगों को मतलब पता चल गया है कि एक ब्यूटीफुल ग्लो आप इजीली किस तरीके से जो है प्राप्त कर सकते हैं गाइस। तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रिव्यू विद डेमो जो है पसंद आया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक दीजिएगा, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस, एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड मेरा एक और चैनल है जो कि है डेली टिप्स, वहाँ पे मैं DIYs और कुकिंग की वीडियोस डालती हूँ दोस्तों, तो आप उस चैनल पे भी जाइए, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, मिलूंगी आप सभी को अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, बाय।